वैसे तुम क्यों नहीं सोचती हमारे के बारे में? एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा रिश्ता है, अगर हाथ से निकल जाएगा तो फिर अफसोस करोगी। क्या फिर बकवास शुरू कर दी तुमने अपनी? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने देखा नहीं किस कदर फजूल रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए? उन सब लड़कों में से हमारा तो काफी बेहतर है। ये समझो कि फैंग तुमसे मुखातिब है, यानी बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी से पूछ रहा हूं कि अमार कैसा लगता है तुम्हें, उसके बारे में क्या सोचती हो तुम? अमार बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बहुत ही अच्छा कुलीग है। बेटा, मेरा पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि क्या तुम अमार को अपना लाइफ पार्टनर बनाना पसंद करोगी? जो आज तुमसे जीने मरने के सारे वादे कर रहा है ना, तुमसे पहले वो मुझसे भी ये सारे वादे कर चुका है, और मुझसे पहले पता नहीं कितनी सैकड़ों लड़कियों से ये वादे कर चुका होगा। पता है मुझे तो तुम पे सिर्फ तरस आ रहा है। जिस मोहब्बत के मीनार पर तुम इस वक्त चढ़ रही हो ना, देख लेना कहीं इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाओ कि मुंह के बल गिरो। मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अमार के लिए मेरे दिल में क्यों अचानक से ये मोहब्बत जाग गई है? ये इतना नॉर्मल नहीं है जितना मैंने समझ लिया था, वरना आज नताशा की बातें मुझे क्यों हर्ट कर रही है? तो क्यों मैं आज उसे नहीं बर्दाश्त कर पा रही? मैं क्यों अमार के साथ किसी और का वजूद देखने से कतरा रही हूँ? ये मैं ही हूँ ना जिसने बढ़ चढ़ कर अम्मार की मंगनी की खुशियों में अपना हिस्सा डाला था? और जो इसने कहा, क्या वाकई में ऐसा ही है? क्या आंटी मेरे बारे में वाकई यही सोचती है जो नताशा ने बताया? पद्मा, फातिमा, फातिमा काफ़ी देर से तुम्हारा दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ। कॉल भी कर रहा हूँ लेकिन तुम पिक नहीं कर रही। प्लीज़ मेरी कॉल पिक करो, मुझे बात करनी है तुमसे ज़रूरी। फातिमा, फातिमा, अरे अमार, तुम क्या हुआ, दरवाज़ा नहीं खोल रही? जी, काफ़ी देर से नॉक कर रहा हूँ और कॉल्स भी की है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो जब ऑफिस से जल्दी घर आती है तो वो डोरबेल ऑफ करके सो जाती है। एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं अच्छी सी कॉफ़ी बना के पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद चेक कर लेना, जब वो उठ जाएगी तो आ जाना। लेकिन ओहो, आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ मिल के बैठते हैं, आ जाओ। चलो। अमार बैठो, मैं अभी बस 2 मिनट में। वो मुझसे पूछ रहे हैं। अबे हाँ, तो तुम्हारे लिए तो बता रही हूँ, मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ। नहीं, मेरे लिए ये सब बातों से ज्यादा जरूरी ये है कि मैं जिसको भी अपना लाइफ पार्टनर चुनूं वो एक अच्छा मुसलमान हो। ओहो, तो इसमें क्या मुश्किल बात है? जाहिर है मुसलमान ही मुसलमान से शादी करता है, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? नहीं, मुसलमान पैदा होना और रियल में मुसलमान होना 2 अलग अलग बातें हैं, और रिलीजियस कॉलम में सिर्फ मुसलमान लिख देना इज नॉट इनफ फॉर मी। अच्छा फातिमा, सो व्हाट वुड बी इनफ फॉर यू? मेरा शौहर एक नेक और अच्छा मुसलमान हो, यही मेरे लिए काफी है। शायद फातिमा इसलिए मुझसे दूर भाग रही है कि उसे लगता है कि मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूं, उसका हम सफर बनने के लायक नहीं हूं। ओह गॉड, ये लो तुम्हारी फेवरेट कॉफी। अरे नहीं आंटी, मेरा मूड नहीं है कॉफी चाय का, मैं बस चलता हूँ। अरे क्यों मूड नहीं हो, और तुम इतने परेशान क्यों हो?
कहीं फातिमा से झगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? नहीं, झगड़ा होने के लिए तो मजबूत रिश्ता चाहिए होता है। फातिमा से तो मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, सिर्फ कुलीग है मेरी। ऐसा नहीं है बेटा, वो तो बहुत अपनाइयत से तुम्हारा जिक्र करती। अच्छा, कभी जिक्र किया आपने मेरा? क्या कहती है वो, क्या बात बताती है मेरे बारे में? ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हारे हवाले से जब भी बात हुई है उस दौरान उसकी आंखों में जो मैंने जज्बात देखे, जो एहसासात देखे, मैं बता नहीं सकती। आंटी, फातिमा का तो नहीं पता, लेकिन फातिमा को लेके मेरे दिल में जो जज्बात हैं वो कभी किसी दूसरी लड़की के लिए नहीं हुए। मैंने आधी ही जिंदगी अमेरिका में गुजारी है, बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी थी, यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी मेरी, लेकिन कभी किसी की पर्सनालिटी से इंप्रेस नहीं हुआ मैं। लेकिन फातिमा की पर्सनालिटी ने मुझे कब अपने शहर में मुब्तला कर दिया मुझे खुद नहीं पता चला। आंटी, मैं फातिमा को अपनाना चाहता हूँ, फातिमा से शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है, पर तुम सुनाते हुए उदास क्यों? क्योंकि डैड ने बात की थी फातिमा से और उसने इनकार कर दिया। अरे, ऐसे कैसे इनकार कर दिया? ये क्या बात हुई? तुमसे अच्छा रिश्ता उसको कहाँ मिलेगा? ऐसे नहीं कर सकती वो, मैं खुद उससे बात करती हूँ और देखना वो मान जाएगी। नहीं आंटी, आप बात नहीं करेंगे उससे, फातिमा से मैं खुद बात करूंगा, चाहे वो इनकार करे या इकरार। किधर जा रहे हो? फातिमा का इंतजार कर। कॉफी तो पीते जाते। तो फातिमा को क्या हो गया? ये लड़की बहुत परेशान कर रही है, इससे अच्छा रिश्ता इसको कहाँ मिलेगा? मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। अम्मार की गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठे कुछ बात कर लिया। ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? क्या क्या? पहले मुझे बोलने दो। अच्छा बोलो। तुम पूरी रात गाड़ी में रहे? हाँ। वजह? क्या मतलब है क्या वजह? तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी, रिप्लाई भी नहीं करती टेक्स्ट का तुम मुझे, ऑफिस में तुम मुझसे बात नहीं करती, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप नहीं कर सकता, मुझे लगा कि यही आइडिया सही है। तो मतलब सिर्फ बात करने के लिए तुम पूरी रात गाड़ी में रहे, सोए भी नहीं, घर भी नहीं गए? हाँ तो घर में बताया था, वेयर वर यू लास्ट नाइट? इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी कि घर वाले मुझसे पूछते कहाँ था मैं सारी रात।
फातिमा, अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो मेरी बात का जवाब दे दोगी तुम? कहाँ थी तुम सारी रात? मेरे टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? मैं सारी रात तुम्हारा दरवाजा नॉक करता रहा, तुमने दरवाजा भी नहीं खोला। मुझे बताओ कहाँ थी तुम? इग्नोर क्यों कर रही हो तुम मुझे इस तरह से फातिमा? Natasha, every single day I'm just trying to be a better person for you. I really wanna see you happy. And I really wanna marry you. पता है मेरी खुशी क्या है? फातिमा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ। मैं क्या बताऊँ तुम्हें? बताओ क्या इशू है तुम्हें? तुम्हें क्या इशू है? अच्छा, मैं बताऊँ मुझे क्या इशू है। तुम्हें फातिमा बात की है कि Will you marry me? What? हाँ, शादी करोगे मुझसे? और देखो, अगर तुमने शादी नहीं करनी ना तो कोई वैलिड सा रीजन देना, ताकि मैं अपने आप को समझा सकूं कि हाँ ठीक है, इस वजह से तुमने शादी नहीं की। और ये बात किस किस को पता? ऑलमोस्ट सबको। मींस तुमने सबको प्रपोज किया हुआ है? प्रपोजल की बात कहाँ से आ गई? तुम्हें पसंद करता हूँ ये बात सबको पता है फैमिली में। और आंटी को पता है ये बात? हाँ, मॉम को नहीं पता, वो डैड ने कहा था कि वो खुद बताएंगे। ओके, लेट्स सी, जो बात होगी तब देखी जाएगी। अभी गाड़ी चलाओ। हाँ चला लेता हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम्हें भी एतराज नहीं है? मेरी बात बाद में आएगी कि मुझे एतराज है कि नहीं, पहले तुम अपना प्रपोजल कंप्लीट करो, घर में सब मान जाए हंसी खुशी, और मेरा हाथ मांगने आए तब हम देखेंगे। फातिमा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मान गई हो। I wasn't expecting this कि तुम इतने जल्दी मान जाओगी। ये किसने तुम्हें कहा है कि मैं मान गई हूँ? अच्छा, मुझे एक और बात भी तुम्हें बतानी थी। हाँ बताओ। देखो, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा मुसलमान बाहर से ना दिखता हूँ, लेकिन मेरी बात की यकीन रखो, मैं अंदर से दिल से बहुत अच्छा मुसलमान। तो अपना ये वाला मसला ना रिश्ते की बात करने से पहले ही दुरुस्त करके आना। यहाँ से लेफ्ट ले लो। यहाँ कहाँ जाना है? उस्मान साहब के घर। उस्मान साहब के घर क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है, बस यहीं पे रोक दो। ये किसका घर है? उस्मान साहब का घर है। तुम उस्मान साहब की तरफ क्यों जा रही हो? तुमने ऑफिस नहीं जाना? हाँ मैं आऊंगी थोड़ी देर में, तुम जाओ, I will see you in the office। तो मुझे अंदर इनवाइट नहीं करोगी तुम? फिर कभी, अभी तक मैंने उनसे इजाजत नहीं ली है। अच्छा ठीक है, उन्हें मेरा सलाम देना। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ उस्मान साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह सुबह ऑफिस से पहले आ गई हो तो यकीनन कोई ना कोई मसला होगा। जी मसला है, काफी बड़ा मसला। अच्छा बताओ मुझे। अमार ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन क्या है? तुम उसे बचपन से जानती हो और वो तुम्हारे मरहूम वालिद के करीबी दोस्त का बेटा है, उसे मोहब्बत करता है, ख्याल रखता है, और सबसे बढ़ के ये तो कि ख्वाब में भी तुम्हें इशारा मिला है कि शायद तुम्हारे वालिद मरहूम ये चाहते थे कि इमार से ही तुम्हारी शादी हो। वो सब तो ठीक है उस्मान साहब, लेकिन निकाह का असल मकसद यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप ही ने तो बताया था कि निकाह के लिए मर्द का नेक मोमेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन अमार तो क्या वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान तो है, मुसलमान घराने में पैदा हुआ है तो मुसलमान ही होगा, लेकिन सिर्फ नाम का मुसलमान
उसको मैंने कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, ना कभी कोई अच्छा अमल करते हुए नहीं देखा। जरूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं वही सच हो, और फिर इंसान की आंख तो जाहिरी सूरत हाल देखने पर कातर है सिर्फ, अंदर दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। हम किसी को जज तो नहीं कर सकते ना, और दीन भी इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ ये जरूर देखो कि बुनियादी ईमान मुकम्मल हो, और फिर इंसान जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाता है। और फिर तुम हो ना, अल्लाह ने तुम पे इतना रहम किया है, तुम राग़िब करना, हेल्प करना, और तुम देखना यही तरीका इस रिश्ते में खुशी की जमानत भी बनेगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच उस्मान साहब। हाँ नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, घर भेज दो। हाँ हाँ नो इशू, थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है, आज आप सुबह से ही घर पे हैं, काम पे भी नहीं गए? नहीं आज दिल नहीं चाह रहा। क्यों? इसलिए कि दिल चाह रहा है कि मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं और रात में एक अच्छा सा डिनर करें। क्या ख्याल है? डिनर? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आया कैसे? आपके पास तो वक्त ही नहीं मेरे बारे में सोचने का। तुम्हारा गिला बिल्कुल दुरुस्त है, पर मैं भी क्या करूं, ऑफिस, ऑफिस से घर और फिर सीधा ऑफिस, ऑफिस के झमेले, वक्त ही नहीं निकला तुम्हारे लिए। रियली सॉरी, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, और आज मैं जिस मकाम पर हूं उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। ना सिर्फ ये बल्कि तुमने हमारे बच्चों की तरबियत भी इसी में बहुत अच्छी की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या बात है, खैरियत तो है? आपने पहले ऐसे तो मुझसे कभी बात नहीं की। अब कर रहा हूँ। वेल थैंक यू। एक बात कहूँ, काफी अरसे से तुमने साड़ी नहीं पहनी, आज शाम साड़ी पहन लो। साड़ी? हाँ। नेल्सन अभी तक जूते ही नहीं पहने, चलो जल्दी करो, बाहर रिक्शा आ गया लेने के लिए। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो। आप भी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पे क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन तुमने तो ऑफिस जाने का कहा था। वो आई एम सॉरी, तुम्हारी बात नहीं मान सका मैं, ऐसे तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का दिल ही नहीं किया मेरा, दिल माना ही नहीं, इसलिए मैं रुक गया, सोचा तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। अजीब सी चीफ फिल्मी हरकतें है तुम्हारी अमार। चलो फर्नांडिस, ये क्या हालत बनाई है तुमने अपनी? एक सेकंड, आराम से आराम से आराम से। अजय, बस बैठो आराम से, जो आराम से आराम से आराम से। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी फर्नांडिस, क्यों परेशान करते हो मुझे? भाभी वो मैं आपसे कह रही थी कि भाभी भाई को क्या हुआ, ये इतनी सारी चोटें इनको कैसे आ गई? कुछ नहीं नैंसी, तुम परेशान मत हो, रात को जुआ खेलने गए होंगे दोस्तों के साथ, हमेशा जैसे होता है हारे होंगे, लड़के आ गए। आपको कैसे पता भाभी?
तुम जानती हो नैन्सी, हमेशा ही मार खा के आते हैं जब भी हारते हैं। तुम परेशान नहीं हो नैन्सी, बस तुम जल्दी से जाके डिटॉल और पायोडीन लेके आओ, मैं इनके जख्म साफ कर दूँ, फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। बस खुदा करे कि मैम फातिमा ऑफिस में हो, वो छुट्टी दे देती हैं, मैं छुट्टी लेके वापस आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। अफशा, तुम आज फिर लेट हो गई हो। मैम मेरे शौहर का किसी के साथ झगड़ा हो गया था, मैं सुबह से उसके साथ हूँ, उसको बहुत चोटें आई हैं। अच्छा, तो अब कैसी है तबीयत उसकी? तबीयत तो ठीक नहीं है मैम, दवाई दी है, अभी तक बेहोश पड़े हैं, बस आपको ये डिटेल बताने आई थी। चलो अपना चेहरा फ्रेश करो और अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। मैम मैं बैठने नहीं आई, मैं बस आपको ये बताने आई थी, मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। और अफशा, अभी 2 दिन पहले ही तुम 1 हफ्ते की छुट्टी गुजार के आई हो। देखो ये ऑफिस है, मैनेजमेंट किसी को फेवर नहीं देती है, वो तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड देख के तुम्हें निकाल भी सकते हैं इस बात पे। कोई बात नहीं मैम, बेशक निकाल दें, मैं अपने शौहर को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अफशा तुम्हें ये बात याद रहनी चाहिए कि ये वही शौहर है जो नशे की हालत में तुम्हें मारता पीटता है और अक्सर तुम्हारे कमाए हुए पैसों में चोरी भी करता है। मैम अगर मैं उसके साथ वही सलूक करूंगी जो वो मेरे साथ करता रहा है तो उसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? और वैसे भी मैंने आपसे ही सीखा है कि बुरों के साथ बुरा नहीं अच्छा करना चाहिए। अच्छा चलो तुम 2-3 दिन और उसका ख्याल रख लो, लेकिन ज़्यादा दिन घर में मत रहना, तुम्हें पता है ना कि फिर कोई लड़ाई हो सकती है। ठीक है तुम जाओ और कोई भी बात हो मुझसे फ़ोन पर बात कर लेना। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ फातिमा, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ थी इतने दिन से, आई भी नहीं आप? हाँ वही बताने के लिए फ़ोन किया है। क्या हुआ, सब खैरियत है? खैरियत है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही खैरियत है, खुशी की खबर है। अच्छा क्या खुशी की खबर है? मेरा रिश्ता तय हो गया था, बताया था ना तुम्हें। अरे वाह, मुबारक हो तुम्हें, कब है निकाह? इसी जुम्मे को, ज़रूर आना। अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। क्या हुआ मैम फातिमा, किन ख्यालों में गुम है, काम नहीं करना ऑफिस में? यानी अब एम्प्लॉय बॉस से पूछेगा कि काम करना है कि नहीं? लो जी अब फिर तुम मेरी बॉस बन गई, मुझे बता दिया करो ना कि तुम किस वक्त किस मूड में होती हो ताकि बंदा तुमसे उस हिसाब से बात करे। अच्छा चलो अपना काम बताओ, क्या काम है? हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं और अमार जा रहे हैं लंच के लिए, अगर तुम्हें चलना है तुम चल सकती हो वरना बैठो यहाँ पे। ओ वेट एक्सक्यूज मी, मैं भी तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। ओके आ जाओ, मेरे बगैर जा रहे हैं ये लोग। अच्छा तो इसका मतलब है कि अब तुम दोनों की ज़िंदगी का फैसला आंटी के हाथ में। यप। वैसे ये तो गलत बात है, ज़िंदगी हम लोगों ने गुजारनी है, उन लोगों ने थोड़ी गुजारनी है, वो लोग ही कैसे फैसला कर सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है या नहीं है, ये तो ज़्यादती है। हाँ सही कह रहे हो, ज़्यादती तो है, कभी कभार वो अपने फैसले अपनी मर्ज़ी से करते हैं और हमारी ज़िंदगी के फैसले भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपनी शादी भी अपनी मर्ज़ी से और हमारी शादी भी अपनी मर्ज़ी से। वाह ज्यादती तो है, बस अब जो है यही है, देखते हैं अब आगे चलता है कि नहीं चलता है। चलेगा चलेगा क्यों नहीं, बल्कि दौड़ेगा। ऑफ कोर्स चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, लेकिन वालदेन की नाफरमानी का सोचना भी मत, कभी कभार उन्हें बिठा कर समझाया ज़रूर जा सकता है कि हमारी ज़िंदगी के फैसले वो ना करें बल्कि हमें खुद करने दें। इतनी बातें कहाँ से करते हो तुम, आ जाती ज़िंदगी से खाती है। लगता है तुम्हारी भी शादी करवा लेनी चाहिए। नहीं अभी तक कोई इरादा नहीं है। फहान बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ। फिर
क्या सोचा तुमने फातिमा के बारे में? देखो सिमी, मैं तुम्हारा शौहर तो हूँ लेकिन तुम्हारा दोस्त भी हूँ। तुम कुछ भी मुझसे शेयर कर सकती हो। जहांगीर, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे फातिमा हमारे घर के लिए, हमारे अमार के लिए नहीं सही लगती। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं जो मैं देख रही हूँ? बात तो फिर वही आ गई ना, हम क्या देख सकते हैं, हमारी नजर में क्या है, हमारी अप्रोच क्या है, हमारी सोच क्या है। पर सिमी, हम ये प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि कौन कितना लंबा चलेगा, किसकी शादी कहां तक चलेगी और कौन, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम अपने अपने जेहन पे दबाव मत डालो, पर मेरी खातिर कुछ टाइम फातिमा के साथ स्पेंड करो। देखो तो सही कि वो क्या चाहती है, कैसे बातें करती है। हो सकता है वो तुम्हारी सोच बदल दे, हो सकता है वो तुम्हारे मियार पे पूरी उतर आए। प्लीज, अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैं दोबारा अमार से बात करूंगी। अच्छा भाई, खाना तो खाओ ना, खाना ही रोक दिया। मॉम, आप जाग रही हैं अभी तक? अमार, तुम्हारे डैड बता रहे थे कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो। आओ इधर बैठो। मॉम, आप मुझे बता देती, कॉल कर देती, मैं जल्दी आ जाता। देखो बेटा, तुम नताशा से शादी नहीं करना चाहते थे, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम कहीं और शादी करना चाहते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरा इकलौता बेटा जो है शादी करना चाह रहा है। लेकिन फातिमा, तुमने एक बार भी सोचा कि ये मैच सही है कि नहीं? क्यों सही नहीं है मॉम? क्या वो जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है, कमी किस चीज़ की है उसमें? मुसलमान नहीं है, आप मुझे बताएं तो सही, किस चीज़ की कमी है उसमें? मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन वो जिस खानदान में पैदा हुई है, जिस तरह उसकी परवरिश हुई है, क्या वो तुम्हारे बच्चों की परवरिश सही तरह कर सकेगी? मॉम, फातिमा मुझसे ज़्यादा दीन के बारे में जानती। मॉम, ये तो एक प्लस पॉइंट है ना, हमारे बच्चों को बड़े होके चाइनीज ही सीखनी पड़ेगी, फातिमा सिखा देगी। और फातिमा को काफ़ी लैंग्वेजेस आती है ना, सोचे उर्दू, इंग्लिश और चाइनीज भी, कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। अमार, तुम बात समझ नहीं रहे, मुझे तो उसमें कभी कोई ख़ास बात नज़र ही नहीं आई। हैरानगी तो इस बात पे कि तुम्हें उसमें क्या नजर आया, मुझे तो वो इतनी खूबसूरत भी नहीं लगती। मामा, खूबसूरती सिर्फ शक्ल सूरत में नहीं देखी जाती है। फातिमा खुद कितनी यूनिक है, कितनी इंटेलिजेंट है, ये मैं आपको समझा नहीं सकता। तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, कि तुम एक वाहिद इंसान हो जिसको उसकी खूबियाँ नजर आई हैं और हम सारे अकल के अंधे हैं? मॉम, आपका तो नहीं मुझे आइडिया, लेकिन डैड और सारा ऑफिस फातिमा की खूबियों से वाकिफ है। इसका मतलब है पीछे सिर्फ मैं ही बची हूँ जो अकल की अंधी हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। क्यों इतना उल्टा सीधा सोच रही है मॉम? आप सोचें, फातिमा इस घर में आएंगी, एक कंपेनियन मिलेगा आपको, आप बातें करना उससे। और मायरा कब तक यहाँ पे रहेगी, उसने भी तो रुख्सत होना है एक ना एक दिन। तो अच्छा है ना, फातिमा से आपकी दोस्ती हो जाएगी, खाना बनाएगी, आपका हाथ बटाएगी,
बातें करेगी आपसे, और क्या चाहिए आपको। तुम तो कभी अपने कीदे के इतने पक्के नहीं थे। तो देखे ना कितना पॉजिटिव चेंज आया, अभी शादी हुई नहीं है मेरी और फातिमा का असर भी आ गया। इसका मतलब है तुम अपना माइंड चेंज नहीं करोगे। जी लेकिन मैं शादी से राजी नहीं हूँ। लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ, प्लीज इसको मेरी जिद मत समझिएगा। मोहब्बत है मोम। देखें मैं चाहूंगा कि आप भी राजी हो जाए, जज्बाती बिल्कुल नहीं हो। इतना अरसा मैं बाहर रहा हूँ, अकेले रहने की आदत है मुझे, लेकिन फिर भी मैं खुद किसी को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहा हूँ। कुछ तो सोचा होगा ना, इतना तो भरोसा रखे अपने बेटे में। बाय द वे वो चाउमीन बहुत मजे का था, कहाँ से मंगवाया था तुमने? मैंने खुद बनाया था। खुद बनाया था फातिमा तुमने? नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव यू यार, तुम्हारे हाथ में तो बहुत टेस्ट है, एक परफेक्ट हाउसवाइफ हो तुम, ऑलराउंडर भी, ऑफिस में प्रॉपर प्रोफेशनल और घर में एक अच्छी को। ठीक है ठीक। हेलो नैन्सी, क्या हुआ तुम्हारा फ़ोन क्यों एंगेज आ रहा था? वो भाभी क्लास फेलो की कॉल थी ना, तो उससे बात करी थी, नोट्स मांग रही थी, आज छुट्टी पे थी। अच्छा खैर मुझे ये बताओ नैन्सी वापस आ गया कर? भाभी उससे मैंने आते ही खाना खिला के सुला दिया था, थोड़ी देर में उठेगा तो ट्यूशन छोड़ाऊंगी उससे। अच्छा नैन्सी तुम लोग अपना ख्याल रखो, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देना। हाँ मैं शाम तक आ जाऊँगी, और उससे पहले कोई भी आया तो दरवाज़ा प्लीज़ पूछ के खोलना, ठीक है? ठीक है भाभी, बाय। ओके बाय। अम्मार तो किसी सूरत पलटने वाला नहीं, वो सही कह रहा है।
इस बार उसने वाकई सोच समझ के फैसला लिया है तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे ही घर में मेरे ही बेटे के साथ मेरी मर्जी के खिलाफ? वो लड़की ना हमारे कल्चर की है ना ही हमारे मुल्क की है। वो बीवी बन के रहने लगेगी, दिन रात मेरी आंखों के सामने, कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं? मेरी नस्ल नस्ल खराब कर देगी, क्या परवरिश करेगी हमारे बच्चों की? या अल्लाह अमार का दिल मोड़ दे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।